नेक्स्ट हेडिंग है जनन। देखिए जनन होता क्या है, किसी जीव द्वारा अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। कोई सा भी जीव है जो अपनी तरह संतान उत्पन्न कर देता है ना, वही जनन होता है। ओके, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली हेडिंग है इसमें लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए तो लैंगिक जनन होता क्या है उसको समझिए। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं। क्या करते हैं, लैंगिक मतलब सेक्सुअल जनन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें दो प्रकार के मतलब क्या, दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं। एक नर लेगा भाग, एक मादा लेगा। कौन, एक नर इसमें भाग लेता है, एक मादा लेता है। ओके, तो ये दो जने इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए नर में एक्स वाई क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और इसमें अंडाणु होते हैं मादा में एक्स एक्स। ओके, तो इस तरीके से देखिए, अगर एक्स एक्स से निषेचन करेगा तो लड़की बनेगी, वाई एक्स से निषेचन करेगा तो लड़का बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या, लैंगिक जनन आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अलैंगिक जनन क्या, देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जनक भाग लेते हैं। देखिए अलैंगिक में एक ही टाइप के जनन मतलब क्या, जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जनक भाग लेते हैं। जनक मतलब पैदा करने वाला। तो जैसे हमने कोई आम का पौधा ले लिया, अब आम का पौधा आम का ही तो पौधा बना सकता है, वो केवल अकेला ही यहाँ पर निषेचन करता है, अकेला ही। इसमें एक ही जनक भाग लेता है और क्या कर देता है, रिप्रोडक्शन कर देता है, जनन कर देता है। बट क्या कहते हैं, लैंगिक जनन में दो का होना ज़रूरी है। इसमें एक ही काम, एक से ही काम हो जाता है, उसमें डबल काम करते हैं फ्रेंड्स।